को लेने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी रजौरी की तरफ से इनका दिल डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और रंजीत तारा जी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ने अनुरोध करूंगा कि स्टेज पे आएंगे और हमारे प्रभारी श्रीमान युगल डोगरा जी वो भी स्टेज पे आएंगे। महामया हमारा मार्गदर्शन करें श्रीमान दिनेश शर्मा जी जो हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं श्रीमान दिनेश शर्मा। भारत माता की जय। आवाज नहीं है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। साहब का अध्यक्ष साहब हमारे एडवोकेट मिर्जा साहब और महिला मोर्चा की हमारी जितनी भी टीम है यहाँ हमारी दो बीडीसी श्रीमती प्रवीण जी और शमशान बेगम जी हमारे बीच में यहाँ बैठी हैं। एक बड़ी संख्या में हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें यहाँ पर आई हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स हमारे सरपंच काउंसलर्स और प्रोग्राम है जिसमें एक रीच आउट का प्रोग्राम है कि हर वर्ग को पहुंचने के लिए एक मंसूबा पार्टी ने बनाया है और आज यहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन तक पहुंचने के लिए यहाँ ये वर्कशॉप रखी गई ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं जिनको विशेष तौर पे कुछ स्कीम्स के माध्यम से जिनको एम्पावर किया गया है और मजबूत किया गया है उन तक पहुंच के उनको अपने साथ जोड़ने के लिए एक कोशिश है जिसके चलते पूरे प्रदेश में काम हो रहा है और आज मैं यहाँ रजौरी में इसीलिए आया। सर जैसे देखिए मैंने ये कहा कि 1949 में जो सीज फायर किया गया वो माननीय जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे उनको शेख साहब ने कहा कि आप फौजों को वापस बुला लीजिए और जिसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पैदा हुई। अगर उस वक्त सीज फायर ना होता तो आज जो हिस्सा हमारा हिस्सा हमारे दिल पे जो कटार चली वो ना चलती और वो हिस्सा भी हमारे पास ही होता जो हमारा हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है। और उस वक्त पंडित नेहरू ने वो फौजों को वापस बुला के सीज फायर 1 जनवरी 1949 में किया और जिसकी वजह से आज तक दिलों में बंटवारा हुआ है हमारे देश का बंटवारा हुआ है और ये गलती जो है ये उस वक्त की गई एक मंसूबे के तहत की गई और वो मंसूबा ये था कि अगर ये गलती ना होती तो ये मुमकिन है कि जो हकूमत का मंबा है वो इस इलाके में होता। भाजपा एक ऐसा संगठन है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार रहता है और भाजपा जो है वो बिल्कुल तैयार है और आने वाले जो इंतखाबात हैं 2024 के हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को पिछले 9 साल में नेतृत्व दिया है और जिस तरह से देश को विश्व गुरु बनाने की कगार पे पहुंचाया है लोगों का उन पे एतमाद है और आज पूरा भारतवर्ष जो है एक बार फिर मन बना चुका है कि 2024 में एक बार फिर भाजपा सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। इस बार जो है आंकड़ा 400 से पार जाएगा और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसकी बागडोर संभाल के देश को एक नए आयाम तक ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। जहां तक भाजपा का सवाल है
भाजपा बिल्कुल तैयार है और मैं आपको बड़े वसूख और जिम्मेवारी से ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त भी इलेक्शंस होंगी भाजपा अपना पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएगी। यहाँ आने वाली सरकार जो है जम्मू कश्मीर में, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये भाजपा की सरकार होगी और यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। कार्यशाला यानी वर्कशॉप यहाँ पे राजौरी पार्टी ऑफिस में रखी गई थी, जो थी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर ये थी, उसमें जिसमें पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो लोग थे वो यहाँ पर आए हुए थे। बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें यहाँ पे, लगभग 150-200 बहनें हमारी यहाँ इस कार्यशाला में रही। और माननीय देवेंद्र सिंह राणा जी जो सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज इस कार्यशाला को उन्होंने एड्रेस करना थी। उसमें हमारे जितने भी यहाँ के सीनियर लीडर, हमारे चौधरी तालब साहब थे, राजेंद्र जी मलिक साहब और या बाकी हमारे मीर साहब, जितने भी सीनियर लीडरशिप थी हमारे प्रभारी जी इस वर्कशॉप में आए हुए थे। तो कुल मिला के ये एक दिन की जो वर्कशॉप थी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा सीखने को लोगों को मिला। और इसका मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक बड़ा बेनिफिट जो है वो पार्टी को होगा, कि इस तरह हमने सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स हैं, जो हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्टैंड किया है, उनको फ़ायदा दिया है, उनको फाइनेंस किया गया है, तो हमारी बहनें जो आज अपने पाँव पर खड़ी हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये सारी वर्कशॉप रखी गई थी। और पार्टी को इसका कैसे बेनिफिट मिल सकता है, इसका भी, इसके ऊपर भी जो है वो चर्चा की गई।